शुरू से ही ना जो हमारे साथ के टीचर्स थे वो हमारे साथ ही चलते थे, कुछ भी कह देते। जैसे मेरे मन में कोई आइडिया आया, मैंने सर को बोला ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करना है 1-2 दिन में। तो जब जब भी सर को बोला हमने, किसी और टीचर ने बोला सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ने 1-2 दिन में ही वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी। इस तरीके से सारे हम जुड़ गए सर। सर, और दूसरी बात ये है कि एक और एक 11 होते हैं, दो नहीं। देखो, अगर एक कैंपस में कुछ 5-6 जने हैं, उनमें से दो के भी विचार जो है, अंडरस्टैंडिंग है उनकी, दो की भी वो काम करना स्टार्ट करते हैं, तो दूसरे लोग भी उनके साथ धीरे धीरे से उनके साथ जुड़ना स्टार्ट हो एक जाते हैं। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग देखो, आपके स्कूल में लगा सर, कि आप ना बच्चों के लिए बहुत ही एक यूनिक सा यूनिफॉर्म आपने प्रोवाइड करवाया। ये थोड़ा यूनिफॉर्म के बारे में बताइए, ये क्यों आपने स्टार्ट किया था? सर ऐसा है कि ये जो है ना, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये बहुत चीज जरूरी है, उनमें कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए और किसी बच्चे को देख के। और जब हमने ये यूनिफॉर्म उनको ये दिया, ये ब्लेजर है और ये मिक्स ग्रे स्कर्ट वगैरह पैंट्स है, व्हाइट शर्ट है, इसमें एक बात तो ये कि ये कॉमन कलर है और अवेलेबल है एवरीवेयर। दूसरी बात क्या है कि हम ये यूनिफॉर्म जो है ना, उनको सारा साल प्रोवाइड करवाते हैं, सिर्फ एक बार नहीं। और जब भी किसी को किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम सरप्लस रखते हैं अपने पास यूनिफॉर्म, उनको वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तीसरी बात है कि हमारे पास एक मदर ग्रुप है, वो उनकी यूनिफॉर्म को हम रिपेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो खराब ना हो, और उनके कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और भी था कि मॉर्निंग असेंबली आपकी बहुत इफेक्टिव होती है, और कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अगर कहीं पे बेहतर हो तो वो स्कूल जो है बहुत ही संजीदा रहता है, बहुत ही जीवंत रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। थोड़ा मॉर्निंग असेंबली के बारे में भी आप बताइए, आप दोनों में से कोई सर बता सकते। ऐसा है, हाँ जी सर, ऐसा है कि जो मॉर्निंग असेंबली के सुबह के 30 मिनट्स होते हैं, अगर हम बच्चों की कंसंट्रेशन वहां पे गेन कर लेते हैं, तो सारा दिन बच्चों का बहुत अच्छा निकलता है, हम उनसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। उसके लिए इसमें स्पेशल ये है कि हम बच्चों को एक स्पेशल योगा मुद्रा में बिठाते हैं, जिससे कि उनसे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे ऐसी बातें करें, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करें, वो ध्यान से सुने, उनका ध्यान इस आधे घंटे में लगे किसी बात पे, तो उनकी एक बार कंसंट्रेशन बन गई तो सारा दिन उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और ये काफी रोचक है, और जो जो विद्यालय है उसको देख सकते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में जो बच्चे बैठे हुए हैं, एक तो सर कि सच में ये देखने के बाद कई बार तो आंखों को विश्वास नहीं होता कि ये किसी सरकारी स्कूल का है। आपको भी ऐसे रिएक्शन मिलते हैं क्या कि नहीं, ये तो आप ये सरकारी स्कूल का नहीं हो सकता, किसी गवर्नमेंट स्कूल का नहीं हो सकता, आपको भी मिलते हैं क्या? सर होता है, ऐसा होता है, लोग कहते हैं, ये बात कहते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पंजाब के, वो बहुत बढ़िया बन चुके हैं, और ओनली हमारा ही नहीं, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जो बहुत बढ़िया बन चुके हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। एक और मैंने देखा आपकी, और जो स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है, कि क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है आपका, क्लासरूम का जो ढांचागत जो व्यवस्था है, वो मुझे अपने कॉलेज का याद दिला रहा है कि एक बहुत ही एक ऐसा है कि जैसे सबसे आगे वाले बच्चे जो है वो थोड़ा नीचे साइड में दिखाई दे, कहने का मतलब कि सारे बच्चों को आप देख सकते हो, कोई भी शिक्षक अगर पढ़ा रहा है, ये आइडिया कहाँ से आया? और सर ऐसा है कि हमने शुरू से जो भी काम किया है, हम कोशिश करते हैं कि वो आगे बहुत सालों तक उस चीज में चलना है। कोई चीज हम बनाते हैं तो अच्छी बननी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि ज्यादा फंड्स नहीं होते, थोड़े फंड्स को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना होता है, और वो बढ़िया होनी चाहिए, पोर्टेबल भी हो, मल्टीपर्पज भी हमारे वो यूज में आए। उसके लिए हमने ये स्टेप क्लासरूम बनाए थे, बच्चों और पीपल टीचर की प्रॉपर इंटरेक्शन के लिए ये हमने बनाए थे, क्योंकि अगर ये सीधे होते हैं तो प्रॉपरली इंटरेक्शन नहीं हो पाती, बच्चों का ध्यान नहीं बन पाता, इसीलिए हमने ये बनाए हैं, स्टेप क्लासरूम बनाए। और अगली बात जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्रॉस्टेड ग्लास के ग्रीन बोर्ड्स हैं। अगर
सबसे बड़ा जो टीचिंग एड होता है एक टीचर के पास, वो होता है ब्लैक बोर्ड और चाक, उसका एक पॉइंटर। ये सबसे बड़े होने चाहिए क्योंकि टीचर ने सारा दिन यूज करना है इसको। तो हमने अपनी जो फ्रंट वॉल है उसके ऊपर जितना मैक्सिमम हमें स्पेस अवेलेबल है हमने उसको इंक्रीज किया। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है एक, वो बच्चों के लिए लेक्चर स्टैंड है, ये एडजस्टेबल हाइट का है। बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमने ये बनाए हुए हैं। बच्चे सबके सामने बैठ के वो खड़े होके बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उसके। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये कॉर्नर शेल्फ्स है। हमने कोशिश किया कि हम स्कूल का हर कॉर्नर को यूज करें, प्रॉपरली यूज करें और स्पेस को जो मैनेज करें जितना भी हो सकता है। इसमें जो है वो फर्नीचर है, हमने बड़े प्रैक्टिकल करके ये फर्नीचर बनाया है। ये एक ही तरह के, एक ही साइज के फर्नीचर के ऊपर हर एज ग्रुप का जो बच्चा है वो कंफर्टेबली बैठता है। और इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी होता है 25 सेंटीमीटर, उसका ध्यान रखा गया है बच्चों के लिए। ये बड़े कंफर्टेबल हैं, इसके ऊपर बड़े लोग भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और छोटी छोटी चीज को हमने कोशिश किया, जैसे ये वुडन रूलर्स हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं लगता, हम एक कारपेंटर से उठा कर ले आए और इनको यहाँ पे यूज किया, क्योंकि बच्चे वो दूसरे स्केल जो है रूलर हैं वो फोर्ड नहीं कर सकते, और हमने उसको यहाँ पे यूज किया। ऐसे ही ये लेमिनेटेड कार्ड्स हैं, हमारे पास एक फोटोस्टेट मशीन है जिसकी वजह से वो हम पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं, और बच्चों को ये स्टेशनरी वगैरह ये असाइनमेंट्स उससे बना बना कर देते हैं। ये स्मार्ट क्लासरूम हमने पहले जब सोचा 10 साल पहले कि हमें स्मार्ट क्लासरूम की जरूरत है, उसके बारे में स्टडी किया तो कुछ गिने चुने बहुत कॉस्टली स्कूल जो थे उनके पास ये फैसिलिटी थी। जब उसके बारे में स्टडी किया कि ये तो लाखों रुपए की खेल है, ये हमें नहीं मिल सकता। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, अगर कुछ हम सोच लेते हैं, अगर बहुत सारे टीचर ऐसे भी होंगे वो सोचते होंगे कि हमारे पास तो फंड्स नहीं है, इतने फंड्स नहीं है तो हम उसे कैसे मैनेज करें। ये डरने वाली बात नहीं है, अगर आपके पास कुछ फंड्स नहीं है, ज्यादा फंड्स नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है, आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप उसके किसी चीज के पीछे पड़ते हो तो कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव वे मिल जाता है। हमने क्या किया, मार्केट से हमने जो सेकंड हैंड एलईडीज हैं वो हमने परचेज की, कुछ 4,000-5,000 रुपए में, ऐसे उनको स्मार्ट किया और अपने फोन को, हर टीचर के फोन को उसके साथ अटैच किया, और फोन में जो मटेरियल होता है उनको दिखाने के लिए जो कंटेंट होता है वो हमने हर टीचर के फोन में डाला। किसी को ऐसा ना हो कि हमें यूज नहीं करना आता, तो हमने वो प्रोसेस को इजी किया। हमने अब हमारे पास सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, हम उन्हें प्रॉपरली यूज करते हैं, सिर्फ ई कंटेंट डिलीवर करने के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो जो हम बच्चों को उसमें दिखाते हैं। ये काफी ज्यादा मतलब बहुत यूनिक चीज है, ये क्या है इसे? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्मार्ट क्लासरूम होता है वो मल्टीपर्पजली हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक फैसिलिटी आ गई है उसको हमने यूज करना है। तो जैसे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, कोई पिक्चर डिस्प्ले करनी है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन करानी है, जैसे ये स्टिक फिगर आपने देखे, बच्चों का इनमें बहुत इंटरेस्ट होता है, वो इजीली ड्रॉ करते हैं। हमने कोई एक्शन वर्ड्स करवाने हैं तो स्टिक फिगर्स के थ्रू हम करवा सकते हैं। पिक्चर डिस्क्रिप्शन करनी है, लिसन एंड रिपीट करना है, कोई ड्रिल वर्क करना है, वो उसकी वजह से हम करवा सकते हैं। ये जो हमारे पास है ये एक लिसनिंग लैब है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या है कि जब हम क्लास में गए तो हमने देखा कि कुछ बच्चे स्लो लर्नर है, उनको स्पेशल टाइम चाहिए और उनको हमने दूसरों के साथ लेकर आना है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता और इतनी ड्रिल वर्क कराने के लिए टाइम नहीं होता। ये छोटे बच्चे लिसन एंड रिपीट से ज्यादा सीखते हैं, तो उसके लिए पहले तो हमने अपने फोन को यूज किया, एक हेडफोन के साथ अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग की, बच्चों के हेडफोन पहनाए, वो पीछे बोलते रहे। जब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमें लिसनिंग लैब चाहिए थी। उसको जब हमने मार्केट में स्टडी किया वो वेरी एक्सपेंसिव थी, वो 35,000-40,000 की ऐसे थी, लेकिन वो हमने सेम डे सिर्फ 1,200 में 30 हेडफोन वाली एक लैब बनाई। और उससे क्या हुआ,
ये जो बच्चे एक चीज को जिनको उसको 2 हफ्ते लगते थे सीखने के लिए, कुछ घंटों में सीख जाते थे, उनका जो लर्निंग प्रोसेस था वो काफी इजी हो गया और फास्ट हो गया। और ये ये सारे सारे चीज जो क्लासरूम में है, ये लिस्टिंग में सर ये सारी क्लासरूम में है, हर सीट पे हमारे क्या जो इम्पैक्ट देखने को हेडफोन मिल रहा है सर? सही इम्पैक्ट? है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इसका। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, उनकी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें। और इसमें एक बड़ी बात ये है कि जो हमारे सेंस ऑर्गेन्स है ना, जितने ज्यादा सेंस ऑर्गेन्स इसमें यूज होंगे किसी भी लर्निंग में, उतनी ज्यादा बढ़िया और इजी लर्निंग होगी। हम हमारी कोशिश होती है हर एक्टिविटी में बच्चे के मैक्सिमम सेंस ऑर्गेन्स वो यूज हों। और ये काफी इंडिविजुअल अमेजिंग है, इंडिविजुअल बच्चे के लिए है ये सारी चीजें। बहुत प्यारा इसका कॉस्ट 1200 आते हैं ना एक का? सर ये 9 साल पहले बनाया था, कि ये जो चीज आप डिस्प्ले कर रहे हो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये छोटा एक रेडियो है जिसकी कॉस्ट 400-500 रुपए होती है। इसका हमें जरूरत कैसे महसूस हुआ कि जैसे टीचर ने नोटबुक्स चेक करनी है, तो टीचर हम क्या करते हैं कि हर एक क्लास का टीचर अपनी आवाज में लेसन को रिकॉर्ड करता है, जो भी बच्चों को पढ़ाना है उसे रिकॉर्ड भी करता है। जैसे बच्चों को रिवाइज करवाना है एक लेसन, टीचर वो रेडियो को वो साउंड सिस्टम को चलाकर छोड़ देता है, बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते रहते हैं, टीचर अपनी नोटबुक्स वगैरह चेक कर लेता है। ये काफी बेनिफिशियल रहा। ये काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी है। और मैं फिर से जो भी हमारे साथ ये चीज भी बताएं। काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम है, और जैसे कि हम कोई गाना है वो लिखकर याद नहीं करते, हम अनकॉन्शियसली सुनते हैं, तुरे फिरते सुनते हैं, तो हमारे वो याद रह जाता है, काफी ज्यादा याद रह जाता है। ये भी हम इसी तरीके से, हम इसको इसी प्रिंसिपल से हमने इसको बनाया है। ये एक साउंड सिस्टम है और ये हमारे ऑफिस को सारे क्लासरूम से जोड़ता है। जब बच्चे फ्री होते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं या रिसेस टाइम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। ये नहीं कहते कि आप सुनो इसको, वो अनकॉन्शियसली तुरे फिरते ऐसे ही सुनते रहते हैं, वो ऐसे ही सीख जाते हैं काफी चीजें। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इसका मार्केट प्राइस 45,000 था और हमने उस टाइम इसको ओनली 1,500 में बनाया था।